Hello, good morning, dear student. तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव टू सीन दैट आपका अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है और इनके बीच आपके डिफरेंस क्या होते हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और जैसे आपका हॉट वायर हो गया और आपका थर्मोकपल हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप, ये बेसिकली आपके इंस्ट्रूमेंट्स थे। इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, आमीटर बनाते हैं, वोल्ट मीटर बनाते हैं। और जो आपका डायनोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वाट मीटर बनाते हैं। उसका जो मेन पर्पज है वो आपका जो है कि डायनोमीटर टाइप का वाट मीटर बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही आपका ये क्लियर क्लियर हो रहा है कि ये आपका मूविंग आयरन, मतलब आपका जो मूविंग पार्ट होगा वो आपका आयरन होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास एक पार्ट मूविंग होगा और एक पार्ट आपका फिक्स होगा। तो पहले हम जो है कि बात करेंगे किसके बारे में, अट्रैक्शन टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जो आपका मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक आपका अट्रैक्शन टाइप और दूसरा आपका रिपल्सन टाइप का। तो पहले हम बात करेंगे अट्रैक्शन टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो जो आपका अट्रैक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो है कि बेसिकली कुछ पार्ट होते हैं। पहला आपका मूविंग पार्ट, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स की बात करेंगे तो इसमें एक आपका मूविंग पार्ट होता है। मूविंग पार्ट इसका जो है कि हमने स्कीमेटिक डायग्राम, जो किस तरीके से इनका सारे कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर हमने आपको दिखाया है। ठीक है, तो पहले हम जो कि इस फिगर को समझा देते हैं, फिर आपके कौन कौन से पार्ट हैं उसको बताएंगे, फिर इसके बाद आपका किस तरीके से ये वर्क करता है इसके बारे में बताएंगे और क्या क्या इसके एडवांटेज हैं इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में कि कौन कौन सी इरर्स से हमारे इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में आती है और उनको हम जो है कि किस तरीके से कम कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके रेंज के बारे में बात करेंगे, हम किस रेंज तक इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसके आखिरी में हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की, कि हम इसको कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज की अगर हम बात करें तो पहले ही हम बता देते हैं इसका जो मेन यूज है वो अमीटर बनाने के लिए और आपका वोल्ट मीटर बनाने के लिए। ठीक है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अमीटर बनाते हैं और वोल्ट मीटर बनाते हैं। इसको हम यूज करते हैं, एसी पे भी यूज कर सकते हैं, डीसी सप्लाई पर भी यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए हम यूज करते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है किसका, मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट के। ठीक है, ये आपका मेन एडवांटेज है। और ये आपका जो है कि पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज कर सकते हैं, इनको स्विच बोर्ड टाइप के इंस्ट्रूमेंट में भी यूज कर सकते हैं, किसका, मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट का। लेकिन जब हम इसमें ग्रेविटी कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं तो इसको हम जो है कि बोर्ड माउंटेन पैनल में ही करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी अगर आप उसको वर्टिकली नहीं यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये वेट कोई हैंग कर रहा है, अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो फिर वेट आपका ऐसे हो जाएगा, तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इसलिए जब भी हम जिस इंस्ट्रूमेंट में ग्रेविटी कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं उसको हमेशा और हमेशा वर्टिकली यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो जब भी हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली हमारे दो पार्ट होते हैं, एक हमारा मूविंग पार्ट। तो मूविंग पार्ट आपका यहाँ पर आयरन पीस होता है, मूविंग पार्ट आपका आयरन पीस होता है। ठीक है, मूविंग पार्ट आपका सॉफ्ट आयरन पीस होगा और जो फिक्स पार्ट होगा वो आपका क्वायल होगा या आपकी वाइंडिंग होगी। ठीक है, और जो आपका पॉइंटर है, ये पॉइंटर ये आपका बना होगा किसका, एल्यूमिनियम का, और इसकी जो स्केल होती है वो नॉन नॉन यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, और जो कंट्रोलिंग टार्क हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर देखिए हमने कंट्रोल वेट हैंग किया है, तो इससे प्रूफ हो रहा है कि जो कंट्रोलिंग टार्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम ग्रेविटी कंट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसा, ग्रेविटी कंट्रोल। और इसमें जो डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं, ये डैम्पिंग हमारी होती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन
डैम्पिंग। ओके, तो ये तो हमारे पार्ट हो गए, मूविंग पार्ट, फिक्स पार्ट, पॉइंटर, स्केल, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कौन सी प्रोवाइड करेंगे, डैम्पिंग कौन सी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। ये आपका क्वायल है, ये आपका पोर्शन क्वायल है, इसको हमने बाउंड किया है, इसका एक पोर्शन यहाँ पर ए निकाल दिया और दूसरा पोर्शन हमने बी निकाल दिया। यहाँ पर हम उस क्वांटिटी को, जिस क्वांटिटी को हमको मेजर करना है, उसको हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपकी जो क्वांटिटी है वो आपका वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, ठीक है। अब ये तो आपका ये इंस्ट्रूमेंट बना है, अभी आपका ये इंस्ट्रूमेंट बना है, जब आप इसको अमीटर बनाएंगे या वोल्ट मीटर बनाएंगे तब उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपकी क्वांटिटी जो है वो आपकी एसी भी हो सकती है और डीसी भी हो सकती है, क्योंकि आपका जो मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसको एसी पर भी यूज कर सकते हैं और डीसी पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वायल है, देखिए ये आपका क्वायल है, ये आपकी वाइंडिंग है, ये आपका कोई जो है कि पीस है, पीस आप जो है कि, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे आयरन पीस लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए जस्ट लाइक आपका कोई प्लास्टिक है या आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके ऊपर हम क्या किए हैं, बाउंड बाइंडिंग किए हैं, तो ये आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके ऊपर हम बाइंडिंग को प्लेस किए हैं, ये बाइंडिंग का कनेक्शन इस तरीके से करके हम क्या करते हैं, जिस क्वांटिटी को मेजर करना होता है हमको क्या कर, उसको क्या करते हैं, ए और बी पर हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारे कंपोनेंट को हम बताते हैं, ये आपका जो है कि क्वायल है, इसमें हम जो है कि बाउंड करते हैं, फिर इसके बाद जो भी क्वांटिटी मेजर करना होता है उसको यहाँ कनेक्ट करते हैं। ये आपका पॉइंटर है, ये आपका स्केल है, स्केल देखिए शुरू में आपका क्रैम्ड होता है, ठीक है, स्केल आपका क्रैम्ड होता है, स्टार्टिंग में क्रैम्ड होता है, इसके बाद जो है कि ये फिर आपका ये इनके बीच स्पेस बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसका जो स्केल होता है वो नॉन लीनियर होता है या आपका क्रैम्ड होता है, ये पॉइंटर आपका जो है ये एल्यूमिनियम का बना होता है, ठीक है, स्केल हो गया, पॉइंटर हो गया, और इसके बाद आपका क्वायल हो गया, और ये आपका है आयरन पीस, ये आपका आयरन पीस है, ये आपका आयरन पीस है जो सॉफ्ट आयरन है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका सॉफ्ट आयरन पीस है, ये सॉफ्ट आयरन जो पीस है ये आपका कैसा है, मूविंग पार्ट है, ठीक है, ये आपका मूविंग पार्ट है, और ये आपका बैलेंस वेट है, ये आपका बैलेंस वेट है, और ये आपका है कंट्रोल वेट, और ये है आपका एयर फ्रिक्शन चैम्बर, ये आपका है एयर फ्रिक्शन चैम्बर, जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डैम्पिंग जब हमारा पॉइंटर क्या करेगा, ऑक्सीलेशन को शो करेगा, तो ये जो आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीलेशन को रिमूव करेंगे, ठीक है। इसको हम बहुत पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि आपकी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग किस तरीके से वर्क करती है, और आपकी फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग किस तरीके से वर्क करती है, और आपका ईडी करंट डैम्पिंग किस तरीके से वर्क करती है, और किसको कहां पर हम यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए हम जो है कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को ही प्रीफर करेंगे, ईडी करंट डैम्पिंग को प्रीफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका है एडजस्टेबल, जैसे आपका पॉइंटर कई बार आप किसी भी क्वांटिटी को नहीं मेजर कर रहे होते हैं, फिर भी आपका पॉइंटर कुछ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इस एडजस्टेबल के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको हम घुमाते हैं, तो ये आपका पॉइंटर जीरो की पोजीशन में आता है जब आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका एडजस्टेबल इसलिए यूज किया जाता है कि जब आप किसी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप जो है कि आपका जो पॉइंटर है किसी न किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम जीरो की पोजीशन पे लाने के लिए एडजस्टेबल का, एडजस्टमेंट का यूज करते हैं। कंट्रोल वेट जो हमारा ग्रेविटी कंट्रोल है इसके लिए, बैलेंस वेट इसको बैलेंस करने के लिए कि आपका जो ये ऑक्सीलेशन है इसको रिमूव करने के लिए आपका ये बैलेंस वेट का यूज किया गया। तो आई होप कि सारे कंपोनेंट आपको समझ में आ गए होंगे, एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। ये आपका
कॉयल है जो आपका फिक्स पोर्शन है, कॉयल आपका कैसा है, फिक्स पार्ट है, और मूविंग आयरन ये आपका आयरन पीस मूविंग पार्ट है, ये आपका एडजस्टेबल है जिसकी सहायता से आप इसको एडजस्ट करेंगे अपने पॉइंटर को, कंट्रोलिंग बेट, कंट्रोल बेट जो आपका कंट्रोलिंग टार को प्रोवाइड करेगा, ये आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रोवाइड की गई, ये आपका पॉइंटर, ये आपका स्केल, तो ये आपके हो गए सारे कंपोनेंट, ठीक है, ये आपके सारे कंपोनेंट हो गए कि कौन कौन से कंपोनेंट कंस्ट्रक्शन में आपके जो आपकी ये एट्रैक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है इसमें कौन कौन से पार्ट लगे हैं और उनका क्या क्या काम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, वर्किंग के बारे में, ठीक है। अब आपका जो ये मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है अट्रैक्शन टाइप का, ये किस तरीके से आपका वर्क करता है, ठीक है, ये आपका किस तरीके से वर्क करेगा। तो देखिए जब भी किसी क्वांटिटी को आपको मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पर उस क्वांटिटी को कनेक्ट करेंगे, जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तब आपका जो ये क्या है, क्वायल है, तो क्वायल में आपका क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है। जिससे मान लीजिए सिंपली अगर आप इसमें इसको पहले फर्स्ट केस आप क्या कर रहे हैं, जब डीसी मार जो है कि मेजर कर रहे हैं, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। जब आप इसको प्लस पे और इसको माइनस पे कनेक्ट किए तो आपकी करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी, यहाँ से आपकी करंट आउट हो जाएगी, ठीक है। जब आपकी करंट जो है कि इसमें इंटर कर रही है, और देखिए करंट आपकी अंदर की तरफ से आ रही है, करंट आपकी अंदर की तरफ से, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, या आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर एन पोल बना, यहाँ पर एस पोल बना, तो मैग्नेटिक्स जो लाइन्स है वो एन टू एस चलती हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक्स लाइन्स है वो एन टू एस चलती है, तो मैग्नेटिक्स लाइन एन टू एस चल रही है, ठीक है। तो पहले आपका जो ये मीडियम है, मीडियम आपका कैसा है, एयर है, ठीक है, एयर का मीडियम है, उसमें आपका आयरन पीस अभी इस मैग्नेटिक फील्ड में पूरी तरीके से जो है कि इंटर नहीं किया है, तो जब मैग्नेटिक्स लाइन्स आपकी एन टू एस चल रही हैं तो इसके बीच सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी आयरन पीस को अगर उसके पास लाते हैं तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपकी हो गई मैग्नेटिक फील्ड। जैसे देखिए आपका ये बैलेंस बेट इसमें नहीं है, ये आपका इस साइड है, ठीक है, ये आपका ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये आपका जो है कि आयरन पीस है, और जो बैलेंस बेट है वो किस कुछ इस तरीके से है, मतलब ये आपका इस साइड है, ठीक है। तो जब आप जो है कि इसमें करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, डीसी सप्लाई से आप कनेक्ट किए इसको, इसमें आपकी करंट फ्लो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड जब बनेगी तो इसमें आपका ये आयरन पीस जस्ट इसके पास है, ठीक है, आयरन पीस आपके इसके जस्ट पास है। तो जब आपका मैग्नेटिक फील्ड के पास में किसी भी आयरन पीस को आप ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। अब कितना अट्रैक्ट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर बी बन रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो बी बन रही है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, करंट के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, वो करंट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगी उतना ही तेजी से इसको क्या करेगा, आयरन पीस को अट्रैक्ट करेगा। आप देखते हैं कि जब भी किसी मैग्नेट के आप मान लीजिए आपका मैग्नेट है या आपका कोई आयरन पीस है, जब मैग्नेटिक फील्ड या आपका मैग्नेट है तो मैग्नेटिक लाइन्स कुछ इस तरीके से चलेंगी, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स कुछ इस तरीके से चलेंगे। अगर ये इसके फ्लुएंस में जब आएगा तो जैसे जैसे जितना जितना करीब आता है उतना उतना तेजी से वो क्या करता है, चुंबक किसी भी आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यही है कि जब आपकी इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी है अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, मैग्नेटिक लाइन ज़्यादा चलेंगी, ज़्यादा होगी,
और वो ज़्यादा क्यों होगी, जब करंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी वह मैग्नेटिक लाइंस वो भी इंक्रीज होंगी। जब मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज होगी तो उसके इन्फ्लुएंस में जब कोई आपका आयरन पीस आएगा तो उसको उतनी ही तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा जितनी उसमें मैग्नेटिक लाइंस होंगी। मैग्नेटिक लाइंस आपकी करंट के ऊपर डिपेंड करेगी। करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज होने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी, करंट की वैल्यू डिक्रीज होने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो अगर आपका करंट की वैल्यू यहाँ से आपकी इंक्रीज होगी, करंट की वैल्यू जब इंक्रीज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हुई, जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो उतनी ही तेज़ी से आपका ये आयरन पीस इस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट किया जाएगा। जितनी तेज़ी से आपका ये अट्रैक्ट किया जाएगा उतनी ही तेज़ी से आपका पॉइंटर जीरो से डिफ्लेक्ट होकर किसी भी क्वांटिटी को शो करेगा। किस क्वांटिटी को शो करेगा? जितनी वैल्यू करंट की आपकी इंटर हो रही है उतनी ही वैल्यू आपकी ये पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट करा के शो करेगा। तो वो टार्क जो पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करा रहा है वो टार्क आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है। वह टार्क जो पॉइंटर को जीरो की पोजीशन के तरफ लाने की कोशिश करता है उसको हम कंट्रोलिंग टार्क कहते हैं, ठीक है। और वह टार्क जो डैम्पिंग को आउट करता है, मतलब इनके बीच के ऑक्सीलेशन को कम करता है, ख़त्म करता है, उसको हम डैम्पिंग टार्क कहते हैं, ठीक है। और पॉइंटर आपका किसी भी क्वांटिटी को एक्यूरेट कब शो करेगा? जब आपका वह इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब आपका TD इक्वल टू TC होगा, ठीक है। ठीक है यहाँ तक? तो देखिए एक बार फिर से कि जब आप किसी क्वांटिटी को मेजर करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी करंट हो, जब आप जो है कि वोल्टेज के लिए इसको यूज करेंगे तो वोल्टेज जब आपका सेटअप होगा तो क्वाइल है, कुछ ना कुछ करंट लेगी। जब करंट लेगी तो क्या होगा, आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से अब देखिए आपका पॉइंटर कम डिफ्लेक्ट कब होगा? जब आपकी करंट की वैल्यू कम होगी तो पॉइंटर आपका कम डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी कम बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड जब कम बनेगी तो ये आपका बहुत धीरे से अट्रैक्ट करेगा। जब धीरे से अट्रैक्ट करेगा तो इसको धीरे से क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। जब धीरे से डिफ्लेक्ट करेगा तो उतनी क्वांटिटी को डिफ्लेक्ट कराएगा जितनी आपकी करंट या वोल्टेज इसके क्रॉस सेटअप हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये सारी पॉइंट्स आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। सॉरी, तो देखिए अब जो है कि आपको जो यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टार्क मिलेगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क TD इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर DL/dθ, ये आपका है डिफ्लेक्टिंग टार्क, ठीक है। ये आपका है डिफ्लेक्टिंग टार्क, ठीक है। ये आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क है 1/2 I² DL/dθ। अगर आप यल में, ठीक है, अगर इसमें आप चेंज करते हैं, इसमें आप चेंज करते हैं तो आपका जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्टिंग टार्क है, उसमें भी आपका चेंज होगा। अगर आप करंट में चेंज करेंगे तो आपका जो है कि टार्क में भी चेंज आएगा, क्योंकि जो आपकी इसमें इस क्वायल में स्टोर्ड एनर्जी है, क्योंकि आपकी क्वायल है तो किसी भी क्वायल में स्टोर्ड एनर्जी U=1/2 L I² L I² और अगर आप इसको अगर आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा DU/dθ = 1/2 DL/dθ × I² तो यहीं से आपका ये मिलता है जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है, ठीक है। यहीं से आपको ये डिफ्लेक्टिंग टार्क मिलता है। तो फिलहाल आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है कि फाइनली इसको याद रखेंगे कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो
d theta equal to 1 by 2 I square dl by d theta है, ओके okay? और आप यहां पर जो कंट्रोलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कंट्रोलिंग टर्क जो प्रोवाइड कर रहे हैं TC, ये किसके इक्वल है? ये आपका इक्वल है साइन थीटा के, साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो जब आप क्या कहेंगे कि जब आपका पॉइंटर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा तो एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम आप कहेंगे क्या TC इक्वल टू TD। तो दोनों इक्वेशन से आप ये कहेंगे क्या कि आपका जो TD है ये 1 by 2 into I square dl by d theta equal to k sin theta। तो यहाँ से आप देखिए k sin theta equal to आप कहेंगे theta equal to या sin theta equal to आप कहेंगे कितना sin theta equal to ये आपका हो जाएगा 1 by 2 I square dl by d theta डिवाइड बाई के, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा, यहां से आप कहेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 by 2 आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा इंटू के। तो ये आपका पूरा कांस्टेंट है। तो यहां से आप कहेंगे साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा है कि जो आपका इसके इस इंस्ट्रूमेंट की जो स्केल है वो आपकी नॉन लीनियर है। अगर आपका जो थीटा है, ठीक है, थीटा अगर आपका आई स्क्वायर है या थीटा आपका वी स्क्वायर है, किसी भी क्वांटिटी के अगर स्क्वायर में है, तो आप ये कहेंगे कि उसकी जो स्केल होगी वो आपकी नॉन लीनियर होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका छोटा सा डेरिवेशन है, इसमें कुछ करना नहीं है। आप जो है कि इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, जो आपको डैम्पिंग डिफ्लेक्टिंग टार्क मिलेगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क TD इक्वल टू 1 by 2 आई स्क्वायर डी एल डी टी, और कंट्रोलिंग टार्क आप कहेंगे क्योंकि कंट्रोलिंग आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी, ग्रेविटी कंट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ग्रेविटी कंट्रोल में आपने देखा कि TC इक्वल टू के साइन थीटा आपको मिला था, और वहाँ से आपने ये भी देखा था कि जब आप स्प्रिंग कंट्रोल कर रहे हैं तो स्प्रिंग कंट्रोल में TC इक्वल टू मिला था आपको थीटा, ठीक है, के थीटा मिला था। तो अगर आप स्प्रिंग कंट्रोल कर रहे होते, जैसा कि हम आगे देखेंगे जब हमारा रिपल्सन टाइप का इंस्ट्रूमेंट आएगा, तो उसमें हम स्प्रिंग कंट्रोल को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल प्रोवाइड करेंगे तो कुछ हद तक जो उसकी स्केल है वो लीनियर हो जाती है, लेकिन इसकी स्केल जो है कि नॉन लीनियर होती है। जब भी आपसे ये पूछा जाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसकी स्केल कैसी होती है, तो आप ये कहेंगे कि उसकी स्केल नॉन यूनिफॉर्म होती है या क्रैम्ड टाइप की स्केल होती है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्योंकि जो आपका रिपल्सन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसकी स्केल कुछ हद तक लीनियर होती है, लेकिन जो आपका अट्रैक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसकी स्केल लीनियर नहीं होती है। इससे आपको प्रूफ हो रहा है कि जो इसकी स्केल है वो आपकी लीनियर नहीं है, कुछ इस तरीके की नहीं है, ठीक है। ये आपका अगर आप साइन थीटा इधर लेते हैं और आई स्क्वायर इधर लेते हैं, तो आपका ये स्क्वायर के फॉर्म में एक तरीके से पैराबोलिक फॉर्म में बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप कहते हैं क्या पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y = 4x² ऐसे कुछ होती है, मतलब आपकी एक पैराबोलिक फॉर्म में ये बनने लगेगा। तो इसकी स्केल जो होती है वो नॉन लीनियर होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वर्किंग प्रिंसिपल। हमने अभी अभी जो भी बातें की हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की है, किसके बारे में, अट्रैक्शन टाइप के इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की है, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात की है कि आपका ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल में एक बार और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस भी क्वांटिटी को हमको मेजर करना है उसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। हाँ देखिए, जब आप इसको एसी पे यूज करेंगे, तो एसी पे जब यूज करेंगे तो आपका ये कोई डायरेक्शन के ऊपर नहीं डिपेंड करता। अगर आप इसको माइनस
पहले आपने इसको प्लस किया था, इसको माइनस कर दिए, तो आपका ये एन बन जाएगा या आपका यस बन जाएगा। मैग्नेटिक लाइन कुछ इसके अपोजिट चलने लगेंगे इस तरीके से, तब भी आपका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली आपकी बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी आप आयरन पीस को ले आएंगे तो क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आप इसकी पोलैरिटी चेंज कर दिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन आपका पीएमएमसी है, अगर आपका ये प्लस है तो आपको प्लस पे ही कनेक्ट करना है, माइनस है तो माइनस पे ही कनेक्ट करना है। अगर आप उसको अपोजिट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो वो आपका वर्क नहीं करता है। लेकिन आप इसमें किसी को प्लस किसी को माइनस कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो जब भी आप किसी क्वांटिटी को मेजर करना, उसको यहाँ कनेक्ट कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी आयरन पीस को ले आएंगे, उसको अट्रैक्ट करेगा। जब वो आपका अट्रैक्ट करेगा तो डिफ्लेक्टिंग टार्क टीडी आपका इसमें इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, और कंट्रोलिंग टार्क आपका इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। कंट्रोलिंग टार्क और आपका डैम डिफ्लेक्टिंग टार्क जब इक्वल हो जाएंगे तो आपको जो क्वांटिटी की वैल्यू है वो आपको स्केल पे रिप्रेजेंट करा देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम किसके बारे में, रिपल्सन टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इसमें आपका एक आपका होगा फिक्स पार्ट। फिक्स पार्ट आपका क्या क्या है, देखिए, एक आपका ए आयरन पीस आपका फिक्स्ड है, और आपका क्वायल, तो क्वायल और आपका आयरन पीस क्या है, फिक्स है। और मूविंग क्या है, मूविंग में आपका जो है कि एक आयरन पीस आपका मूविंग का है। तो देखिए, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कौन कौन चीज़ें लगी हुई हैं इसमें, आपका एक जो है कि मान लीजिए आपका प्लास्टिक होगा या कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा, जैसे आपका ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इसके चारों तरफ हमने क्या किया है, बाइंडिंग कर दिया है। ठीक है, चारों तरफ जब बाइंडिंग कर दिया और इसके बीच में हमने स्पैंडल को पुट कर दिया, इसके ऊपर हमने पॉइंटर को पुट कर दिया, और इसके सामने आपकी स्केल हो गई। ठीक है, इसके सामने आपकी स्केल हो गई, ये आपका पॉइंटर हो गया, ये आपका जो है कि ये पोर्शन आपका, ये खोखला जो है कि सिलेंड्रिकल खोखला जो है कि पार्ट है, इसके ऊपर हमने क्या किया, बाइंडिंग किया है। ठीक, और इसके दोनों टर्मिनल को हमने बाहर निकाल दिया, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, किसी भी क्वांटिटी जिसको मेजर करना उसको हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर, इसका जो अंदर वाला पार्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, एक आयरन का पीस फिक्स कर देंगे, एक आयरन का पीस फिक्स कर देंगे, और जो आपका ये स्पाइंडल है इसके ऊपर जो है कि पॉइंटर को पुट करेंगे, और यहीं पर एक आयरन की पीस को हम क्या करेंगे, मूवेबल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से पार्ट है, फिक्स पार्ट आपका क्वायल है, फिक्स पार्ट आपका आयरन पीस है, और इसमें हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है जो आपके स्पाइंडल से कनेक्टेड है, जो आपका मूविंग आयरन पीस है उससे कनेक्ट रहेगा। ठीक है, इससे आपका कनेक्ट रहेगा, और यहाँ पर हम स्प्रिंग कंट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। कंट्रोलिंग कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो स्प्रिंग कंट्रोल दे रहे हैं। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपका एक पॉइंटर है, ये आपका स्केल है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, ये आपका सप्लाई पार्ट है, यहाँ से किसी भी जिस क्वांटिटी को मेजर करना उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये आपका जो पोर्शन है ये आपका फिक्स पोर्शन है, फिक्स जिसमें आप कॉइल जो है कि बाउंड करते हैं, और ये आपका आयरन पीस है जो आपका फिक्स है, और ये आपका आयरन पीस क्या है, ये आपका आयरन पीस, ये मूविंग आयरन पार्ट है। ठीक है, और ये आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का पार्ट है जो आपके ऑक्सीलेशन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और ये आपका स्प्रिंग है। तो जब आप स्प्रिंग कंट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसकी जो स्केल है कुछ लीनियर आएगी, एक्यूरेट लीनियर नहीं आएगी, लेकिन आपकी स्केल लीनियर आएगी। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो आपका रिपल्सन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो स्केल है कुछ हद तक लीनियर आएगी, लेकिन अगर आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसकी स्केल कैसी होती है, तो आप कहेंगे उसकी स्केल नॉन यूनिफॉर्म होती है या क्रैम्प टाइप की इसकी स्केल होती है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, कि किस तरीके से आपका ये वर्क करता है। ठीक है, सॉरी, तो देखिए, जब मान लीजिए आपका ये खोखला जो है कि सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसके बीच में आपका ये स्पाइंडल रखा है, इसके सामने आपका पॉइंटर रखा हुआ है। ठीक, तो जब भी आप इसके क्वायल में आप क्या करेंगे, सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, तो आपकी इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कब बनती है, जब आपके पास कोई एन पोल होगा, यस पोल होगा। ठीक है,
तो मैग्नेटिक लाइंस कुछ इस तरीके से चलेंगी, ठीक है, ये यन से निकल के यस पे क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो जब ये आपका कॉयल का पोर्शन है, इसमें आपने रखा है, तो मान लीजिए आपका इस साइड अंदर साइड यहां पर यन बना और बाहर साइड आपका यस बना, ठीक है, अंदर साइड आपका अंदर साइड यन बना, बाहर साइड आपका यस बना, तो सेम पोलैरिटी से, जो सेम मैग्नेटिक फील्ड से, ये आपका ये मैग्नेट भी क्या होगा, ये सेम मैग्नेट की प्रॉपर्टी इसके में आएगी, जो आपका ये आयरन पीस है इसमें भी, तो ये भी आपका यन पोल बन जाएगा, ठीक है, ये भी इसके अंदर भी यन पोल बन जाएगा एक साइड, और दूसरी साइड आपका बन जाएगा, मतलब ये इसके जो डोमेन्स हैं, जो मैग्नेटिक्स, ये क्या कहते हैं, सॉरी, जो आपका आयरन पीस है उसमें जो डोमेन है वो जो है कि अलाइन हो जाएंगे, और उसमें जो है कि आपका ये यन पोल बन जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली देखिए, आपका यहाँ पर अगर यस बना है तो यहाँ पर भी यन बनेगा, तो इसके अंदर भी आपका यन बन जाएगा, तो इसके अंदर भी यन, इसके अंदर भी बन, ठीक है, जो आपका फिक्स आयरन पीस है उसके अंदर भी यन पोलैरिटी बन गई, यन जो है कि यन पोल की स्ट्रेंथ आ गई, और इसके अंदर भी यन पोल की स्ट्रेंथ आ गई, तो दोनों के अंदर यहाँ पर मान लीजिए ये आपका यन हो गया, यहाँ पर भी यन हो गया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब कितना रिपेल करेंगे, अब इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसमें कितनी करंट पास हो रही है, इसमें कितनी करंट पास होगी, जितनी करंट पास होगी उतनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसी के बेस पे आपका यहाँ पर जो है कि यन पोल की स्ट्रेंथ आएगी, जब यन पोल की जितनी स्ट्रेंथ आएगी उसी स्ट्रेंथ से इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब इसको आपका ये रिपेल करेगा तो आपका पॉइंटर भी क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। जब ये आपका फिक्स आयरन पीस, मूविंग आयरन पीस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो आपका पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, जो आपका रिपेल्सन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर यन बन गया, यहाँ पर यस बन गया, तो इसमें भी आपका यस बनेगा, ठीक है, जब इसमें यस बनेगा तो इसमें भी आपका यस बनेगा, तो आपका इसमें क्या होगा कि जो आपका आयरन पीस है, दोनों आयरन पीस है, एक आपका फिक्स है, एक आपका मूवेबल है, तो दोनों में सेम जो है कि पोल बन जाते हैं। अगर इसमें आपका यस बना तो इसमें भी आपका यस बनेगा। तो जब आपको पता है कि जब आपके दो सेम पोल आपके आसपास आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, जब ये इसको रिपेल करेगा तो आपका पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब कितना डिफ्लेक्ट करेगा वो इसमें पास होने वाली करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, या इसके एक क्रॉस जो वोल्टेज सेटअप किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना वोल्टेज उसमें सेटअप किया गया है, उसी के बेसिस पे आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। अगर करंट या वोल्टेज की वैल्यू कम है तो पॉइंटर आपका कम डिफ्लेक्ट होगा, अगर करंट या वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है तो पॉइंटर आपका ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। कंट्रोलिंग टार्क, हम जो है कि इसको कंट्रोलिंग इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम कंट्रोलिंग टार्क को प्रोवाइड करते हैं, या कंट्रोलिंग टार्क जो हमने यहाँ पर स्प्रिंग का यूज किया है, कंट्रोलिंग टार्क आपका एक नेक्स्ट और होता है जिसको हम ग्रेविटी कंट्रोल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्प्रिंग कंट्रोल को प्रीफर कर रहे हैं, लेकिन जो आपका अट्रैक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट था वहाँ पर हमने जो है कि ग्रेविटी कंट्रोल को प्रीफर किया था, ओके। तो ये तो हो गया आपका वर्किंग। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके जो मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं इसके क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो होने वाली इरर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज, पहला एडवांटेज ये है कि इसको मन करे तो एसी पे यूज करो, मन करे तो डीसी पे यूज करो, पहला एडवांटेज है वर्क ऑन एसी एंड डीसी। और इसकी दूसरी खासियत क्या है कि बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, और ये जो है कि ड्यूरेबल भी होता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है, ड्यूरेबल भी होता है, और कॉस्टली भी उतना वह नहीं होता है, ठीक है, सॉरी, जो है कि ये आपका कॉस्टली भी उतना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, एज कंपेयर टू जो है कि पीएमएमसी, ये जो है कि लेस कॉस्टली होता है, क्योंकि जो पीएमएमसी है वो आपका कॉस्टली होता है,
एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में, और इनका जो टार्क वेट रेशियो है ये हाई होता है कुछ इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में। इसका जो टार्क वेट रेशियो है वो आपका हाई होता है, लेकिन जो आपका सबसे ज़्यादा टार्क वेट रेशियो होता है वो आपका पीएमएमसी का होता है, या आप कह सकते हैं कि जो आपका मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट है उनका टार्क वेट रेशियो हाई होता है। ठीक है, टार्क वेट रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं, मतलब कि आपका कितना सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो एक्यूरेसी होती है गुड एक्यूरेसी होती है। अब बहुत अच्छी तो नहीं होती है, क्योंकि इसको हम डिसएडवांटेज में भी देखेंगे कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी होती है, कंपेरेटिवली अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट नॉट डैमेज ऑन ओवरलोड कंडीशन, जैसे आप इसको ओवरलोड कंडीशन के में भी यूज कर दिए तो आपका ये डैमेज नहीं होगा। और नेक्स्ट आपका क्या है, रेंज इजली एक्सटेंडेड। ठीक है, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसकी रेंज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये कोई वोल्ट मीटर डिजाइन किया गया तो 700 वोल्ट तक रीडिंग कर रहा है, लेकिन अगर आप इसकी रेंज को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इसकी रेंज को इजिली एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको जो है कि 3 kV वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं और 11 kV के वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इजिली जो है कि इसकी रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो क्या क्या एडवांटेज थे, ये एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होती है, सस्ता भी होता है, और ये लंबा दिनों तक चलता है, और प्रिसीजन होता है, मतलब ये आपको थोड़ा जो रीडिंग आपको मिलेगी वो करेक्ट रीडिंग मिलेगी, एकदम एग्जैक्ट करेक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें जो आपकी इरर्स भी आती हैं। ठीक है, इरर्स कैसे आएगी अभी आप नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे हमारा हिस्ट्री मैग्नेटिक्स इरर और ईडी करंट इरर, टेम्परेचर इरर, ये इरर्स आती हैं। ठीक है, और ये जो है कि इसको ओवरलोड पर यूज करने से आपका ख़राब नहीं होगा, और इसकी रेंज को आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं। तो पहला ही आपका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी स्केल लीनियर नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्रैम टाइप की इसकी स्केल होती है, शुरू में घनी होगी, बाद में जो है कि क्या हो जाएगी, थोड़ा सा उतनी घनी नहीं रह पाती है। ठीक है, तो इसकी स्केल कैसी होगी, क्रैम्ड होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, और इसमें जो पावर कंजप्शन है वो आपका हाई होता है, और ड्यू टू लीनियरिटी ऑफ बीएच कर्व डिफ्लेक्टिंग टार्क नॉट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपका बीएच कर्व है, मतलब नॉन लीनियरिटी की वजह से आपका जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ आई के नहीं होता है, मतलब एग्जैक्टली ये आपका इसके प्रोपोर्शनल नहीं होता है। किसकी वजह से, ड्यू टू द नॉन लीनियरिटी ऑफ बी एच कर्व। तो बी एच कर्व आपका ऐसे होना चाहिए, बी एच अगर आपका ये इस तरीके से होता तो इसके आपका प्रोपोर्शनल होता, लेकिन आपका बी एच कर्व जो है कि नॉन लीनियर होने की वजह से आप कहते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो एग्जैक्टली आपका आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ठीक है, क्या हो गया, आपका नॉन लीनियर स्केल होगी, पावर कंजप्शन हाई होगा, और जो है कि डिफ्लेक्टिंग टार्क उसके करंट के डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, सम सीरियस इरर्स, कुछ जो है कि इसमें सीरियस इरर्स आती हैं, जो कि आपका जैसे हिस्टीरेसिस इरर, फ्रीक्वेंसी चेंज इरर, और स्टेम मैग्नेटिक फील्ड इरर, टेम्परेचर इरर, और ईडी करंट इरर। तो इतनी तो टाइप्स की हमारी इरर्स आती हैं, तो हम जो है कि इरर्स को भी देख लेंगे कि कौन कौन सी हमारी इरर्स इसमें होती हैं। ठीक है, और हम नेक्स्ट इसी में बात करेंगे, किसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी जो रेंज कितनी होती है। ठीक है, रेंज कितनी होगी, रेंज अगर आप इसको एज ए आ मीटर यूज कर रहे हैं, कैसे एज ए आ मीटर यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको जीरो से लेकर 20 मिली एम्पियर से लेकर 750 एम्पियर तक इसको यूज कर सकते हैं, इसको 750 एम्पियर तक इसको यूज कर सकते हैं, और बिना किसी सीटी का यूज किए, क्योंकि सीटी आपका जो है कि हाई करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप इसका वोल्ट मीटर की तरीके यूज कर रहे हैं,
कैसे वोल्ट मीटर के तरीके यूज कर रहे हैं, तो 0 से लेकर 1 वोल्ट और यहाँ से लेकर 750 वोल्ट तक ये वोल्टेज को मेजर करेगा कौन, आपका मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट और बिना पीटी का यूज किए, बिना पीटी सीटी का यूज किए इतने वोल्टेज और इतने करंट को मेजर कर सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, इरर्स के बारे में, इरर्स के बारे में, ठीक है। तो इरर्स भी आना आपके इंस्ट्रूमेंट में जो है कि लाजमी है, क्योंकि जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी पर्सन है, किसी की बॉडी है, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर होती, त्रुटि जरूर होती, जैसे कभी बुखार हो गया, कभी सर्दी हो गई, कभी जुकाम हो गया, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, तो ये तमाम दिक्कतें आती रहती हैं। तो ये क्या है, त्रुटियाँ एक तरीके से, उसी तरीके से हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी त्रुटि होना आम बात है, ठीक है। बस ये है कि जैसे हम शरीर को अपने सर दर्द हो रहा दवा खा कर या किसी अदर वे से हम उसको सही कर सकते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी जो इरर्स हैं उसको हम कम कर सकते हैं, कुछ हद तक कम कर सकते हैं। सॉरी, तो जो हमारा एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट है इसमें बेसिकली हमारी 5 तरीके की इरर आती हैं, आपकी हिस्टेरेसिस इरर, ईडी करंट इरर, फ्रीक्वेंसी इरर, टेम्परेचर इरर और आपका स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इरर्स। तो हम एक एक को देखेंगे किस तरीके से हमारी जो इरर हैं वो कुछ कम की जा सकती हैं, ठीक है। तो जैसे आपका स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इरर, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इरर का मतलब ये है कि आप जहाँ पर किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर जो है कि आपका इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है और इसके सराउंडिंग कोई जो है कि अदर मैग्नेटिक फील्ड है जो इस इंस्ट्रूमेंट के जो है कि मैग्नेटिक फील्ड से, जब आपके पास इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसके सराउंडिंग भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, जिससे आपका जो पॉइंटर है उसके डिफ्लेक्शन पर जो है कि अफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए इस स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आपका जो ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसको आपको क्या करना चाहिए, ऐसे बॉडी से कवर कर दीजिए जिससे कि जो आपके पास सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसका इफेक्ट इस पर ना पड़े। तो इसके लिए आप जो है कि ढलवा लोहा का यूज कर सकते हैं या किसी ऐसे मटेरियल का यूज कवर करिए उसको कि जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इस पर इफेक्ट ना पड़े। जब इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो जो आपके आने वाली इरर है इसके द्वारा वो आपकी कम हो जाएगी और एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, ख़त्म भी हो सकती है, ओके। नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर इरर, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से कैसे इरर आएगी, जैसे आपको हमने बताया कि जो आपका रिपल्सन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी, जो आपका रिपल्सन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम जो कंट्रोलिंग करते हैं वो स्प्रिंग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जब स्प्रिंग का हम यूज करते हैं तो डिफरेंट प्लेस पर टेम्परेचर डिफरेंट होगा। अगर मान लीजिए जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर जो स्प्रिंग की स्टिफनेस है वो कम होगी, तो जब भी आप किसी क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो पॉइंटर आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर रिप्रेजेंट करेगा, या जितनी वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहिए उससे कुछ ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये है कि आपको मेजर करना था करेंट जो है कि 4 एम्पियर और आपका अमीटर मेजर कर रहा है 6 एम्पियर, तो ये आपका क्या आ गया, त्रुटि आ गई, इरर आ गई आपके इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की वजह से इरर आ रही है। इस इरर को आप कैसे कम करेंगे, तो जहां भी आप इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं उसका जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वो आपके इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग फेवरेबल होना चाहिए, उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर आपका बहुत कम है तो आपकी स्प्रिंग बहुत टाइट होगी और करंट की वैल्यू अगर 4 एम्पियर मेजर करना था तो वो 3 एम्पियर मेजर करेगी, क्योंकि जब आप इसको इस डायरेक्शन में आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क डिफ्लेक्ट कराएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क कम हो जाएगा कंट्रोलिंग टार्क से। जब कंट्रोलिंग टार्क आपका ज़्यादा होगा तो पॉइंटर आपका 0 की पोजीशन में शिफ्ट होने की ट्राई करेगा, और जब आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क, ये देखिए ये वाली केस है, जब डिफ्लेक्टिंग टार्क आपका ज़्यादा होगा,
किससे, कंट्रोलिंग टॉर्क से, तो वो ज़्यादा वैल्यू को शो करेगा। जब आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम होगा तब जो है कि आपका वो जीरो की पोजीशन पे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। और नेक्स्ट और तीसरी केस, जब टी सी इक्वल टू टी डी होगा तो आपको करेक्ट वैल्यू शो करेगा। ठीक है, ये 4 एम्पियर रीड करना था और 4 एम्पियर ही रीड कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका है टेम्परेचर की वजह से एरर आने से। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से कम करेंगे? साधारण सा आपके पास उपाय है कि वहाँ पर आप यूज करिए जहाँ का जो टेम्परेचर है, जहाँ यूज करना है वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। ओके, और कई बार ऐसा होता है कि जो आपने यहाँ पर जो वाइंडिंग यूज किए हैं, ठीक है, ये आपकी कॉयल है, इसका कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगा। जब ये इंडक्टेंस होगा तो उस कॉयल का क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा कुछ ना कुछ, वो करंट का भी कुछ ना कुछ, कुछ पोर्शन का वो अपोजिशन करेगा। जब कुछ पोर्शन का वो अपोजिशन करेगा तो यहाँ पर टेम्परेचर हीट होगी, आपकी कॉयल हीट होगी, उसकी वजह से भी आपके इंस्ट्रूमेंट में इरर्स आती हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट और हम बात करेंगे तीसरी, फ्रीक्वेंसी इरर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इरर, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई, ये आपका मीटर का पोर्शन है, ये कॉयल है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। जब इसको एज ए बोल्ट मीटर यूज करेंगे, कैसे, एज ए बोल्ट मीटर यूज करेंगे, तब क्या करते हैं, इसके सीरीज में हम हाई रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। तो जो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, तो अगर इसको आप हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज कर रहे हैं या जो फ्रीक्वेंसी की वजह से एरर आ रही है, इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इसके जो आपका हाई रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक है, इसके पैरेलल में क्या करते हैं, एक कैपेसिटर का यूज करते हैं, जिससे जो आपकी फ्रीक्वेंसी एरर है वो आपकी कम हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी आपका कॉयल है और इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो जिसको जो इसका आपको ये मिलेगा, क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, ये आपको मिलेगा 2πfL। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर आपकी इंक्रीज करेगी तो ये भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो ये आपको इफेक्ट डाल सकता है आपके इस इंस्ट्रूमेंट पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके जो हम ये सीरीज में हाई रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, अब ये जो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, ये आपका मैंगनीन का बना होना चाहिए, जिसका टेम्परेचर पर जो है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, मतलब टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है तो ये जो है कि करंट का अपोजिशन उस तरीके से उस इतना नहीं करेगा जो है कि, तो इस वजह से यहाँ पर जो आप रेजिस्टेंस यूज करेंगे वो आपका हाई रेजिस्टेंस होगा, और ये जो जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस बॉडी बनी होगी वो आपका मैग्नीन का बना होगा। ठीक है, और इसके पैरेलल में हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में इस कैपेसिटर को यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी एरर को कम करने के लिए। ओके, तो देखिए आप फ्रीक्वेंसी बेसिकली कम कर रहे हैं, अब एकदम से तो सारी चीज़ें खत्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप सिंपली देख रहे हैं कि मूविंग करंट आपके इंस्ट्रूमेंट में इतने तरीके की एरर्स आ रही हैं, तो कुछ एरर्स को आप इसमें से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ईडी करंट और हिस्टीरिसिस एरर। तो ईडी करंट और हिस्टीरिसिस लॉस आपको पता होना चाहिए। तो ईडी करंट क्या होता है, तो जैसा कि आप ट्रांसफार्मर में पढ़े होंगे कि ईडी करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हम कोर मटेरियल यूज कर रहे हैं इसको हम क्या करते हैं, पतली पतली स्ट्रिप के फॉर्म में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका मूविंग टाइप आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट था, ये आपका मूविंग पार्ट था, मूविंग आयरन पीस था, तो ये आपका जो आयरन पीस है कुछ इस तरीके का होगा। तो इसको अगर आप एक पतली स्ट्रिप के फॉर्म में, जो मूविंग आयरन पीस है अगर एक पतली स्ट्रिप के फॉर्म में यूज करते हैं, तो आपका जो ईडी करंट इरर्स है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आप मोटी शीट का यूज करेंगे तो ईडी करंट के जो लॉसेस हैं
वो बढ़ेंगे, जब ईडी करंट लॉस बढ़ेगा तो आपका जो ईडी करंट इरर्स है वो भी बढ़ेगी। तो सबसे बेहतर आपके पास ऑप्शन है कि आपका जो इस तरीके का ये बॉडी आपका पीस यूज किया गया, उतना मोटा यूज ना कर करके आप एक पतली स्ट्रिप के फॉर्म में यूज कीजिए, तब जो है कि आपकी ईडी करंट जो इरर है वो आपकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट है आपका हिस्टीरिसिस इरर, ठीक है, हिस्टीरिसिस इरर। तो जो हिस्टीरिसिस इरर है ये आपकी किस वजह से हो रही है, तो जो भी आपका आयरन पीस है, ठीक है, ये आपका आयरन पीस है, तो आयरन, अब हिस्टीरिसिस इरर होती क्या है, हिस्टीरिसिस इरर आपका जैसे जो मटेरियल ये यूज किया गया है, ठीक है, ये मटेरियल एक ऐसी ऐसे मटेरियल का होना चाहिए जो आपने यहाँ पे आयरन पीस यूज किया है, ये आपका पीस ऐसा पीस होना चाहिए जो इजिली क्या हो, मैग्नेटाइज हो जाए और इजिली डीमैग्नेटाइज हो जाए। ओके, तो आपका जो ये आयरन पीस है, जैसे कि हम जब ट्रांसफार्मर में पढ़ते हैं तो जो हम कोर मटेरियल यूज करते हैं वो हमारा एक ऐसे मटेरियल का होना चाहिए जो इजली मैग्नेटाइज हो जाए और इजली डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो हमको यहाँ पर जो हम मटेरियल आयरन पीस सॉफ्ट आयरन यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसकी जगह सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट आयरन का यूज ना कर करके हम क्या करेंगे, ऐसे मटेरियल का, मतलब आप एक परम अलॉय मतलब मिश्र धातु को यूज कीजिए जिससे कि आपका क्या हो, हिस्टीरिसिस लॉसेस कम हो। जब हिस्टीरिसिस लॉसेस आपका कम होगा तो हिस्टीरिसिस इरर भी आपका कम हो जाएगा। तो इतने तरीके हैं जिसके जो आपके इरर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं आपके मूविंग टाइप आयरन इंस्ट्रूमेंट में, तो इनको आप कम करके अपने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को आप बेहतर बना सकते हैं, जिससे आपको एक्यूरेट रीडिंग मिल सकती है जिसकी इरर आप कम कर सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपका आता है एप्लीकेशन, ठीक है, आपने मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो उस आयरन मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप क्या क्या बना सकते हैं, आप बना सकते हैं बोल्ट मीटर बना सकते हैं, ये बोल्ट मीटर एसी टाइप का हो सकता है या डीसी टाइप का हो सकता है, ठीक है, और आप बना सकते हैं क्या अमीटर जो आपका एसी के लिए भी काम करेगा और आपका डीसी के लिए भी काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका इसका एप्लीकेशन है। अब इसका यूज जो है कि हम इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए करते हैं, किसी जो है कि आपका सब स्टेशन है वहाँ पर भी करते हैं, अपने जनरल पर्पज के लिए भी करते हैं, हमारे पास कोई रनिंग मोटर है वहाँ पर करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए, वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट आपका था मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसमें हमने स्टडी किया किसके बारे में, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसमें हम अट्रैक्शन टाइप के कंस्ट्रक्शन के बारे में, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में और रिपल्सन टाइप के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। इसके बाद हमने देखा कि हमारे क्या क्या इसमें जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, और इसके बाद हमने ये देखा कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, और इसके बाद हमने देखा कि इसमें कौन कौन सी इरर हैं और इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, और फाइनली हमने ये देखा कि इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट लेक्चर है किसके बारे में, मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।